हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम रेडीमेड पोशाक को और बहुत ही सिंपल पोशाक को डिज़ाइनर कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मैंने एक पोशाक ली है और नेट का पीस लिया जिसे सर्कल शेप में मैंने कट कर लिया है और फोम फ्लावर्स लिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोम फ्लावर को लेंगे और नेट को लेंगे और दोनों को आपस में अटैच करके इस ड्रेस के ऊपर पेस्ट करना है ग्लूगन की हेल्प से। देखिए, ग्लूगन लगाया और सर्कल लिया हमने और उस पर हमने फोम फ्लावर को पेस्ट करते हैं। इसी तरह से पूरा सर्कल बनाना है हमने, जिससे कि हमारी एक बहुत सिंपल सी जो कान्हा जी की ड्रेस है वो एक डिज़ाइनर पोशाक बन जाएगी। इसी तरह से मैं आपको 6 डिज़ाइंस बताऊंगी, बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल डिज़ाइनर, जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल ड्रेस को आप बहुत हैवी बना सकते हैं घर पर ही। देखिए, इस तरह से सिर्फ आपको ग्लूगन चाहिए, कुछ फ्लावर्स चाहिए, नहीं है आपके पास फ्लावर्स तो आप घर पर बना सकते हैं इन्हें। और इस तरह से आप अपने कान्हा जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस रेडी कर सकते हैं। देखिए, सिंपल को हमने कितना डिज़ाइनर बना दिया है। और अब हम आगे चलते हैं, हम सजाएंगे पॉम पॉम से। यहाँ पर मैंने 2 कलर लिए हैं कंट्रास्ट में, एक पर्पल और एक पिंक। इस ड्रेस के साथ मैचिंग पॉम पॉम्स हैं। पॉम पॉम्स मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे, आप चाहें तो आप भी परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन, नहीं तो आपके पास कोई भी लेसेस वाली शॉप होगी वहाँ से भी आपको ईजिली मिल जाएंगे। इस तरह से मैंने कंट्रास्ट में दोनों पॉम पॉम्स को लगा दिया है सर्कल शेप में कॉर्नर्स पे और ये बहुत ही प्यारी पोशाक बन जाएगी। सिंपल पोशाक होती है, आप उसे बहुत ईजिली एक नया लुक दे सकते हैं। देखिए, ये हमारी पोशाक बहुत प्यारी बन गई है। चलिए, इसे भी रखते हैं साइड पे और एक नई पोशाक बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया येलो कलर की पोशाक और यहाँ पर मैं यहाँ पर लगाऊंगी नेट के फ्लावर्स। देखिए, ये मैंने भी ऑनलाइन परचेज किए थे और आपको सिर्फ मैचिंग देखनी है, कलर कॉम्बिनेशन देखना है और फ्लावर्स देखने कौन से अच्छे लगेंगे, लेसेस देखनी कौन से अच्छी लगेंगी और बहुत ईजिली बहुत जल्दी से आप डिज़ाइनर पोशाक रेडी कर सकते हैं। चलिए, अब एक और पोशाक बना लेते हैं। ये ऑरेंज कलर के, इसमें रेड कॉम्बिनेशन ले रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास बहुत प्यारी सी एक लेस है रेड कलर की, जिसे मैं ग्लूगन की हेल्प से लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्टिच भी कर सकते हैं, पर ग्लूगन से भी लेस लगी हुई बिल्कुल पक्की होती है, बिल्कुल अगर आप वॉश भी करते हैं तो कहीं पर भी नहीं जाती है। देखिए, इस तरह से हमने पूरे कॉर्नर्स पर इस लेस को लगाना है। आप चाहें तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्हें ये ड्रेसेस परचेज करनी है वो ईजिली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगी, जिससे कि आप इजीली इन ड्रेसेस को परचेज कर सकें। देखिए, इस तरह से लेस लग गई है और अब मेरे पास कुछ मिरर पैचेस हैं। देखिए, इस तरह से हमने इन्हें पेस्ट करना है पूरी ड्रेस पे, जिससे कि बहुत हैवी पोशाक बन जाएगी, जिसे आप फेस्टिवल्स पर भी पहना सकते हैं। अब हम सजाते हैं अपनी ब्लू कलर की पोशाक। यहाँ पर मैंने रिबन के फ्लावर्स बनाए हैं और बीच में एक मोती लगाया है। हम पहले ये रिबन से पोशाक को सजा लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस रिबन से हमने फ्लावर्स को कैसे बनाया है। देखिए, ग्लूगन की हेल्प से आपने सिर्फ इनको पेस्ट करना है। अगर आप जल्दी से, आपके पास कोई सिंपल सी पोशाक है और आप उसे थोड़ा सा हैवी लुक देना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। रिबन कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर गोल्डन कलर का रिबन लिया है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसे कैसे बनाया है। यहाँ पे मैंने रिबन का रोल लिया है ग्लूगन की हेल्प से, इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड कर करके आपने पेस्ट करना है और 5 पैटर्न्स बनानी है। बहुत, देखिए, बहुत इजी है इसे बनाना। आप इसे चाहें तो किसी पैकिंग के लिए भी बना सकते हैं, जब आप कुछ पैक कर रहे हों तब भी ये फ्लावर्स बहुत सुंदर लगते हैं। और अभी भी मैंने ये फ्लावर्स रेडी किए और जल्दी से पोशाक बन गई हमारी। देखिए, ये हमारी 5 पेटल्स हो गई हैं। रिबन को कट कर दिया, सेंटर में एक मोती लगाएंगे, हाफ कट मोती, और इसे पेस्ट कर देंगे पोशाक के ऊपर और ये हमारी पोशाक रेडी है। इसी तरह से एक और डिज़ाइन बनाते हैं। यहाँ पर मैंने रिबन फ्लावर्स लिए हैं। देखिए, ये भी बहुत इजीली मिल जाते हैं क्राफ्ट शॉप से। इन्हें पेस्ट कर दिया और हाफ में मैं सेम रिबन का यूज़ कर रही हूँ जो गोल्डन रिबन मैंने लास्ट पोशाक में यूज़ किया था, पर इसे आप ध्यान से देखिए मैंने किस तरह से लगाया। थोड़ा थोड़ा उठा के लगा रही हूँ मैं इसे। देखिए, इस तरह से हल्का हल्का से इसे उठाते रहें और बहुत प्यारा लुक आ जाएगा ये। इस तरह से आप डिज़ाइनर पीसेस रेडी कर सकते हैं घर पर ही। देखिए, इस तरह से
जिन्हें भी पोशाक या मुकुट या किसी भी तरह की कान्हा जी की एक्सेसरीज बनानी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। करेंगे इस पोशाक को थोड़ा और हैवी बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक बहुत प्यारी सी लेस ली है सीक्वेंस वाली, गोल्डन सीक्वेंस की, जिसमें बहुत प्यारी शाइनिंग है। और इसमें से मैं कुछ सर्कल्स कट कर लूँगी, इसमें से हम सारे सर्कल्स कट कर लेंगे और जो हाफ पोशाक हमारी रिबन से बनी है मैं उसके आगे इन्हें लगाऊंगी। इस तरह से ये और भी हैवी और भी सुंदर बन जाएगी। यह ग्लूगन की हेल्प से मैंने पेस्ट कर देती हूँ। आपने देखा बहुत ईजिली, बहुत जल्दी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा के बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस बना सकते हैं। जो सिंपल ड्रेसेस होती हैं उन्हें आप डिज़ाइनर बना सकते हैं, और जिन्हें पोशाक बनानी नहीं आती वो चैनल ज़रूर देखें क्योंकि पोशाक बनाना बहुत ईजी है। देखिए इस तरह से हमारे लग गए हैं। तो हमने चुली बनाई थी उस पर भी लगा देती हूँ दो सर्कल्स। देखिए ये हो गई हमारी पोशाक रेडी। आई होप आपको ये सारे डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगे होंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा कौन से कलर की पोशाक लगी। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का और ज़रूर कोशिश करूँगी कि सारे कमेंट्स का आंसर दे सकें।